तो हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे इस प्रकार की फ़ोटो एडिटिंग करना। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, जब भी देख पाएंगे हम फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। सो गाइस, हमें टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। टूल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन ही मिल रहा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा डार्क मोड। डार्क मोड करने के बाद हम यहाँ से इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, माइनस में रख लेंगे और कॉन्ट्रास्ट को रख देंगे हल्का सा 27। यहाँ से कर लेंगे हम डन। डन करने के बाद हमें अंडो वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, तो अंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें व्यू एडिट्स पर जाना पड़ेगा। व्यू एडिट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको वो दिखाई दे रहा होगा ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से। इन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ से इरेज करना होगा हल्का सा। इरेज करते हैं, बस हमें बॉडी बॉडी पे ही करना होगा इरेज। इरेज कंप्लीटेड, यहाँ से हम कर लेंगे डन। डन करने के बाद हम आ जाएंगे बैक। बैक आने के बाद हमें टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। टूल्स पर क्लिक करेंगे। टूल्स पर क्लिक करने के बाद कर्वर्स पे जाएंगे हम। कर्वर्स पर क्लिक करके हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे रेड। रेड सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद आपको अंडो वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। व्यू एडिट्स पर जाएंगे, व्यू कैनवास पर जाएंगे, क्लिक करेंगे पे व्यू एडिट्स पे। यहाँ से कर देंगे इनवर्ड। इनवर्ड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद हम यहाँ से इरेज करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं।
डन करने के बाद आप देख पा रहे हैं आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर, आप देख पा रहे हैं कैसा लग रहा है, मेरा फोटो एडिटिंग हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।